हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। यस, कैसे हैं सब लोग? हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा आवाज अगर क्लियर आ रहा होगा आप सब तक तो थम्स अप कर दीजिएगा। बस यस हेलो ओके थैंक यू थम्स अप किया, मतलब आवाज क्लियर आ रहा है। चलो यार, ये सेशन जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। इसमें इतने डेप्थ में और इतने क्वेश्चंस के साथ 11th का भी सिलेबस हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दोस्तों तक भी शेयर करो। न्यू बैच फॉर क्लास टू जल्दी ही आएगी अनुज। चलो, तो अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमारा लॉज ऑफ मोशन खत्म कर दिया था। अभी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चैप्टर बहुत अच्छा है, इजी है, कुछ पॉइंट्स है इस टॉपिक पर, उस पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उस पर हम लोग ज्यादा डिस्कशन करेंगे ताकि आपको क्लियरिटी आएगी, मजा भी आएगा इस चीज का। ठीक है, चलो चलो। तो अभी देखो, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में थर्मल नाम का मीनिंग क्या होता है? थर्मल मतलब क्या होता है? थर्मल मतलब होता है हीट। थर्मल मतलब होता है हीट। हम लोग हीट रिलेटेड सारी चीजें देखने वाले अभी यहां तक। क्या? हीट रिलेटेड सारी चीजें देखने वाले हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम लोग देखो इंट्रोडक्शन वगैरह में थ्योरी में ज्यादा टाइम नहीं देंगे, जहां इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वहां हम लोग देखेंगे। देखो सबसे पहले तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर, हम लोग टेम्परेचर सुना है बहुत बार वर्ड, इसका इतना टेम्परेचर है, उसका उतना टेम्परेचर है। टेम्परेचर बताता क्या है आप लोगों को? टेम्परेचर हमें बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी दिखाता है ये। क्या? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा तो आप कहोगे बॉडी हॉट है, टेम्परेचर कम तो कहोगे बॉडी कोल्ड है। अच्छा, क्लियर है। देन प्रकाश बताता हूं, लास्ट में बने रही वीडियो तक, लास्ट में बात करते हैं स्कोर कैसे इंक्रीज करें, बताता हूं। चलो देखो, देन आगे बढ़ते हुए टेम्परेचर की तो बात हो गई, देन हीट की बात हम लोग करेंगे। हीट क्या होता है? हीट कुछ नहीं, एनर्जी का ही एक फॉर्म है जो कि ट्रांसफर हो रहा होता है हाई टेम्परेचर से लेकर, ट्रांसफर हो रहा होता है हाई टेम्परेचर से लेकर लो टेम्परेचर तक। ठीक है, हाई टेम्परेचर से लेकर ट्रांसफर हो रहा होता है लो टेम्परेचर तक। क्लियर? चलो इसका एग्जांपल क्या है, मान लो चाय एक कप में, गरम गरम चाय है, और वो आपने रख दिए नॉर्मल रूम में, रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, तो क्या होता है उसमें से हीट सराउंडिंग को दी जा रही होती है क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है। और हीट कैसा फ्लो करता है? हमेशा हायर टू लोअर टेम्परेचर। कब फ्लो करता है? जब दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस हो तभी फ्लो करता है। दो बॉडीज अगर सेम टेम्परेचर पे है तो हमने देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग उसे थर्मल इक्विलिब्रियम पर बॉडीज ऐसा कह रहे थे, करेक्ट? तो उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता, जब दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाए तभी हीट ट्रांसफर होने लगता है। तो ये हो गया। देन टेम्परेचर एंड हीट के बारे में अभी बताया मैंने आपको, जस्ट टेम्परेचर एंड हीट के बारे में। देन अभी मेजरमेंट क्या क्या होता है, मेजरमेंट कैसे किया जाता है टेम्परेचर का। क्लियर? अभी टेम्परेचर का मेजरमेंट जो है ना, वो हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स की बात बाद में करेंगे, यूनिट्स की बात पहले करते हैं। टेम्परेचर मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे कि एक डिग्री सेल्सियस हो गया, देन केल्विन हो गया, देन डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, और भी यूनिट्स होते हैं, और भी यूनिट्स होते हैं, र्यूमर स्केल होता है, रैंकाइन स्केल होता है, ऐसे यूनिट्स होते हैं जो अभी आपको सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। आपको ये तीन ही याद रखना है, ठीक है, ये आपको तीन ही याद रखना है। उसमें भी आप लोग डिग्री सेल्सियस और केल्विन का कन्वर्जन ऑलरेडी जानते हो क्योंकि बहुत बार यूज किया है आप लोगों ने, लेकिन यार वो आया कहाँ से ये भी पता होना बहुत जरूरी है। तो टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए ये तीन यूनिट्स होते हैं। इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको याद रखना है वाटर के लिए
बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, इन तीनों के लिए स्टैंडर्ड वैल्यूज दिए गए हैं, वो वैल्यूज याद रखो, आपको यूनिट कन्वर्जन इजीली याद हो जाएगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट याद रखना और एफपी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट याद रखना। फ्रीजिंग मतलब क्या, जहां पर वो फ्रीज हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, या उसे आप मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हो, मींस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। क्लियर? देखो बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में होता है 373 केल्विन, डिग्री फारेनहाइट में होता है 212 डिग्री फारेनहाइट। देन फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में होता है 273 केल्विन एंड डिग्री फारेनहाइट में होता है 32 डिग्री फारेनहाइट। चलो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर यूनिट कन्वर्जन पर क्वेश्चन आता है कभी कि इतना डिग्री फारेनहाइट मतलब कितना डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री फारेनहाइट मतलब कितना केल्विन, ऐसे वैल्यूज दिए जाते हैं आपको। क्लियर? चलो इनका कन्वर्जन के लिए एक रेशियो याद रखना आपको। देखो ये सेल्सियस स्केल है, देन होता है फारेनहाइट स्केल, देन आता है फारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल दिया नहीं यहाँ पे, बट ठीक है आपको है केल्विन स्केल है सिलेबस में। हम लोग यूनिट कन्वर्जन में आपको एक ट्रिक बताता हूं याद रखने के लिए, कैसे आप लोग याद रख सकते हो यूनिट कन्वर्जन को ट्रिक के सहायता से। चलो चलो हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे अभी कि कैसे कन्वर्जन याद रखने। एक रेशियो होता है जो हर एक स्केल के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है, एक रेशियो होता है जो हर एक स्केल के लिए कांस्टेंट होता है। कौन सा रेशियो, कौन सा रेशियो होता है? देखो देखो एक वैल्यू याद रखना बस, टेम्परेचर इन एनी स्केल, टेम्परेचर इन एनी स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये जो रेशियो होता है ना, इस रेशियो को हम लोग कॉन्स्टेंट रखते हैं हर एक स्केल के लिए। अभी इसमें क्या है, टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर जिसे आपको कन्वर्जन करना है, एफपी मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, बीपी मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट, और यहां पर भी एफपी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। मान लो मुझे कन्वर्जन करना है, अभी एग्जाम्पल ले रहा हूं, बस एक एग्जाम्पल बताऊंगा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन मुझे डिग्री फारेनहाइट में करना है, ठीक है, कैसे किया जा सकता है? इधर डिग्री सेल्सियस के वैल्यूज लिखना, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, जीरो, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया डिग्री सेल्सियस स्केल के लिए। क्लियर? इज इक्वल्स टू डिग्री फारेनहाइट में टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 डिग्री फारेनहाइट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 डिग्री फारेनहाइट। बस खत्म। ये एक बताऊंगा ना तो आप लोग किसका भी कन्वर्जन किसमें भी कर सकते हो इस रेशियो का यूज करके, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, ये जीरो से जीरो माइनस कर दो, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे बचेगा 100 इज इक्वल्स टू, इधर बचेगा टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो जीरो कैंसल, 2 5 10 2 9 18, तो आपको अगर टेम्परेचर डिग्री फारेनहाइट में दिया, ये 5 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा 5/9 इन ब्रैकेट टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट माइनस 32। इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर आपको टेम्परेचर दिया है मान लो 50 फारेनहाइट, तो यहाँ पे 50 पुट कर देना, 50 माइनस 32 18, 18 मतलब 9 टू 18 10 डिग्री सेल्सियस मतलब होता है 50 डिग्री फारेनहाइट। कैसे, वैल्यूज पुट करो आंसर निकालो, इतना इजी है। आप कन्वर्जन कर सकते हो कोई भी यूनिट्स का, चेक कर सकते हो। चलो समझ में आया है क्या यहां तक, समझ में आया है तो थम्स अप करो जल्दी से, वीडियो को लाइक करो यार जल्दी से। ये सोमकार जल्दी आएगा। चलो यहां तक क्लियर हो गया है सभी लोगों को, हम कोई भी किसी का भी कन्वर्जन देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते, रिलेशन बिटवीन अननोन टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, कुछ नहीं है, सेम वैसा ही है, इधर डिग्री सेल्सियस स्केल वाला रेशियो पुट करना और इधर पुट करना वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अरे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी मतलब क्या, इसका मतलब अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए तो वो प्रॉपर्टी भी चेंज होने लगती है। मान लो मैंने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बोला पी, ठीक है, तो इधर डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस
डिवाइडेड बाय 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, ये पता है हम लोगों को, इक्वल्स टू थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में देखो टेम्परेचर टी टेम्परेचर पर प्रॉपर्टी रहेगा पीटी माइनस फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पर प्रॉपर्टी रहेगा P1 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट पर P2 वापस से P1 हो गया। आपको टेम्परेचर निकालने बोल देता है तो ये 100 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये बचेगा पीटी माइनस P1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1। यही फॉर्मूला ऊपर दे रखा है जो कि बच्चों को याद रखने में प्रॉब्लम जाता है। क्लियर हुआ? अभी यहाँ पे P1 P2 क्या है, P1 मतलब प्रॉपर्टी एट फ्रीजिंग पॉइंट, या आप बोल सकते हो प्रॉपर्टी एट 0 डिग्री सेल्सियस, P2 मतलब आप बोल सकते हो प्रॉपर्टी एट 100 डिग्री सेल्सियस, प्रॉपर्टी एट 100 डिग्री सेल्सियस। चलो क्लियर है? चलो देन आता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जहां पर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों भी जीरो हो जाए उसे हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो हम लोग केटीजी में पढ़े हैं, थर्मोडायनेमिक्स में भी इसका कुछ हिस्सा देखा है हम लोगों ने। क्लियर? देन इसके बाद आगे जाएंगे, ये आता है थर्मल एक्सपांशन वाला बात। थर्मल एक्सपांशन होता क्या है, देखो अभी थर्मल एक्सपांशन मतलब होता क्या है, सॉलिड लिक्विड गैसेस में जब भी किसी मटेरियल को हीट किया जाए तो हीट करने के बाद वो एक्सपांड होता है, ये उसकी जनरल टेंडेंसी है मटेरियल की। और कितना एक्सपांड हुआ वो मेजर करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो है थर्मल एक्सपांशन। अच्छा अभी थर्मल एक्सपांशन में तीन टाइप्स होते हैं थर्मल एक्सपांशन के, एक ही स्लाइड पर आपको पूरा एक्सपांशन समझ में आ जाएगा, बस ध्यान दीजिएगा। थर्मल एक्सपांशन के तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है लीनियर एक्सपांशन, देन लीनियर एक्सपांशन के बाद होता है एरियल एक्सपांशन। एरियल एक्सपांशन को ही सुपरफिशियल एक्सपांशन भी कहा जाता है। क्लियर? देन आता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। देन आता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, कब कौन सा एक्सपांशन यूज करना चाहिए। मान लो ये रॉड अगर आप हीट कर रहे हो और ये एक्सपांड कर रहा है तो इसका लेंथ जो है ना, इसके ये जो डायमेंशन है छोटा सा क्रॉस सेक्शनल, इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है लेंथ, इसलिए हम लोग ये डायमेंशन निग्लेक्ट करते, इसमें लीनियर एक्सपांशन लेते। एरियल एक्सपांशन कब लेंगे, मान लो मेरे पास ये एक पेपर था, इस पेपर में लेंथ है ब्रेड्थ है लेकिन इसका थिकनेस उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, तो हम लोग इस केस में एरियल एक्सपांशन लेंगे। और ऐसा चीजें मान लो ये बॉटल है जिसका लेंथ भी अच्छा है, हाइट भी अच्छा है और ये थिकनेस भी अच्छा है, तो इसे हम लोग लेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन में। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लीनियर एक्सपांशन में याद रखना जो लेंथ चेंज होती है ना मटेरियल की, उसका फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं, देखो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा जो चेंज होगा लेंथ में। लेंथ में जो चेंज आने वाला है वो सबसे पहले तो इनिशियल लेंथ पे डिपेंड करेगा, देन मटेरियल पे डिपेंड करेगा, तो उसके लिए अल्फा एक कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन आता है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ये एक चीज हुआ, अल्फा मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, क्या आता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। डेल्टा एल मतलब क्या होता है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, तो उसमें पुट करने के बाद फाइनल लेंथ निकालने बोलता है तो वो आ जाता है Li in bracket 1 plus alpha into delta t। चलो ये हो गया आपका लीनियर एक्सपांशन वाला बात। देन अभी आता है आगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन में चेंज इन वॉल्यूम होता है, इनिशियल वॉल्यूम इनटू इधर कोएफिशिएंट अल्फा था, अभी इधर कोएफिशिएंट सॉरी एरियल चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक लिख रहा था, एरियल में डेल्टा ए आएगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू आएगा एरिया इनिशियल। लीनियर में अल्फा आया था, इधर क्या आएगा, बीटा आएगा, बीटा इंटू डेल्टा टी, वेयर फाइनल एरिया, इसमें भी आपको सेम फॉर्मूला वैसा ही मिलेगा, ए आई इन ब्रैकेट वन प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, वेयर यहां पे बीटा मतलब क्या है, इधर जैसे अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन था, यहां पर बीटा है कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन।
कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, और इनका रिलेशन याद रखना, बीटा जो होता है ना अल्फा के ट्वाइस होता है, बीटा जो होता है वो अल्फा के ट्वाइस होता है। चलो क्लियर हुआ यहां तक, क्लियर हो गया होगा यहां तक तो थम्स अप करो जल्दी से। फोकस कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। लव यू सर जी एंड थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स। वेलकम श्रीकांत। ओके चलो थैंक यू। बढ़ेंगे आगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन में, इसमें चेंज इन वॉल्यूम आएगा, ये डिपेंड करेगा इनिशियल वॉल्यूम पे, मटेरियल पे, मतलब उधर अल्फा आता है, इधर बीटा आता है, इधर गामा आता है, ये हो जाएगा इनटू डेल्टा टी। ये हुआ आपका पहला फॉर्मूला। देन नेक्स्ट फॉर्मूला आता है फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा, सो इट विल बी वी इनिशियल इन ब्रैकेट वन प्लस गामा इनटू डेल्टा टी। बस हो गया, यही तो है। और इधर जो है ना, इधर ये गामा, गामा मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। चलो ये क्लियर हो गया। देन गामा का भी रिलेशन आता है यार, ये थ्री टाइम्स होता है अल्फा के, ये याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये रिलेशन यूज होता है और ये एक्सपांशन पर क्वेश्चन आता है, मतलब इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है, कभी कभी दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इस पॉइंट पे क्वेश्चन बहुत बार आता है, मल्टीपल टाइम्स आता है, पीवाई क्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर क्लियर हो गया। ये था आपका पूरा थर्मल एक्सपांशन एक ही स्लाइड में पूरा। चलो देन आगे बढ़ेंगे, अभी हम लोग लीनियर एक्सपांशन देख लिया, कोएफिशिएंट भी अभी क्लियर हुआ क्या? अभी आ रहा है आवाज मेरा? अभी अगर आवाज आ रहा होगा तो थम्स अप करो यार जल्दी से।
पूरा वापस बताऊंगा, टेंशन मत लो। आया ओके, टेंशन मत लो, पूरा बताऊंगा, पहले से बताऊंगा ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलो डन, चालू करते हैं। तो वापस से हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, मान लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स होता क्या है। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, मैंने 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया है, मान लो क्या लिया मैंने, 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया है, कोई भी सब्सटेंस ले सकते हो आप, 1 ग्राम का यूनिट मास का चाहिए, इट में भी 1 ग्राम, इट में भी 1 kg, ओके। 1 ग्राम का वाटर लिया, उसका टेम्परेचर मुझे बढ़ाना था 1 डिग्री सेल्सियस से कहो या 1 केल्विन से कहो, उसका मुझे टेम्परेचर बढ़ाना था 1 ग्राम वाटर का, तो कुछ हीट देना पड़ेगा ना उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो उसको जो हीट देना पड़ता है ना उसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कहते हैं उसे हम लोग, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलो ये क्लियर हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अभी इसे हीट देना पड़ेगा, तो हीट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है सबसे पहले, और वही फॉर्मूले के टर्म में भी याद रखना आप लोग। सबसे पहले तो मास पे डिपेंड करेगा सब्सटेंस के, ठीक है, सब्सटेंस पे डिपेंड, मास के, मास ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा एम पर, देन मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा ना, किस मटेरियल से वो सब्सटेंस बना हुआ है। मान लो ये पेन लिया मैंने, इसके साथ एक मेटल का पेन ले लिया, दोनों का क्या है मास सेम लिया मैंने, सेम टेम्परेचर से मुझे हीट करना है, लेकिन मटेरियल अगर अलग अलग ले रहा हूं मैं तो उनको हीट भी अलग अलग देनी पड़ेगी। तो एक टर्म आता है एस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, इनटू आता है डेल्टा टी, बस यही फॉर्मूला होता है क्यू का, एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। चलो क्लियर हुआ, देन एस का फॉर्मूला दिया आपके बुक में, क्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी। अभी डेफिनेशन पढ़िए, डेफिनेशन तो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है एस का। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट क्यू पर यूनिट मास, पर यूनिट मास और गिवन आउट बाय सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय यूनिट, वन यूनिट टेम्परेचर। समझ में आया है, अभी समझ में आया है तो थम्स अप करो जल्दी से। चलो वेरी गुड, अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस ध्यान रखना, गैस के लिए क्यों अलग से आता है सर, अभी तो बता दिया, वो सॉलिड्स के लिए होता है, लिक्विड्स के लिए होता है, गैस का मास नहीं दिया जाता है आपको। गैस में हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की, तो वहां पे एस भी नहीं आता है, सी आता है, और ये होता है एनसी डेल्टा टी, ये होता है गैस के लिए होता है बस। क्यों होता है पता है, गैस को हम लोग मास नहीं दिखते ना गैस का, कभी कभी देखा है केटीजी में या थर्मो में 2 kg ऑफ गैस है, ऐसा नहीं, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, इसलिए एनसी डेल्टा टी आता है। ये फॉर्मूला हम थर्मो में यूज करते थे डायरेक्ट, वो यही से आता है। चलो आगे बढ़ेंगे, अभी हम लोग एनसी डेल्टा टी तो हो गया, देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर आपको हीट करना है तो आप उसे एसपी कहोगे, और आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट करना है तो आप उसे एसवी कहोगे। याद रखना एसपी बड़ा होता है एसवी से, मतलब अगर आपको कोई भी सब्सटेंस यूनिट मास का है उसका आपको टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन से, और उसका यूनिट मास लिया गया है तो उसका कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट देना पड़ेगा आपको एस कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम पर। चलो बड़े आगे, देन ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, एसपी एसपी अभी बताया मैंने आपको। देन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, मोलर स्पेसिफिक हीट मतलब होता है सी, मोलर स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट मतलब होता है एस। अच्छा ये सी में भी सीपी आता है कांस्टेंट प्रेशर पर, और सीवी आता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, मतलब आप अगर हीट कर रहे हो गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो सीवी लोगे वैल्यू, और अगर कांस्टेंट प्रेशर पर तो सीपी लोगे। ये कहां देखा है आप लोगों ने, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में गामा का रेशियो देखा है सीपी और सीवी होता है, बस ये यही से आता है, चैप्टर उस चीज का बेस है, ठीक है। देन रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इनमें रिलेशन होता है सी इक्वल टू, याद रखो एम इंटू एस, सी इक्वल टू एम एस, अगर सीपी है तो यहाँ पे एस पी आएगा, सीवी है तो यहाँ पे एस वी आएगा, बस ये रिलेशन याद रखना है। वेयर एम मतलब होता है मोलर मास कहो या मॉलिकुलर वेट कहो, एक ही बात है, मॉलिकुलर वेट कहो या उसे
आप मोलार मास भी कह सकते हो। चलो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को रिलेशन याद रखने के लिए। एमएस याद रखिए, एमएस सी इज इक्वल टू एमएस। देन आता है हीट इक्वेशन, देन हम लोग देखेंगे हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, जो अभी हमने देखा ना, एस देखा सी देखा, बस ये वही चीज है। क्लियर? देन अभी आता है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री मतलब क्या होता है? ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए, जहां पे हीट एक्सचेंज किया जा रहा है। क्लियर? चलो चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है? अभी देखो, अगर किसी सब्सटेंस को, ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉलिड में है, उसे अगर मैंने हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा? उसका कन्वर्जन लिक्विड में होगा। अच्छा, लिक्विड को और मैंने हीट करना स्टार्ट कर दिया तो लिक्विड में क्या होगा? अरे, लिक्विड का कन्वर्जन गैसेस में हो जाएगा सर फिर। ओके, तो अभी क्या, जब कितनी बार चेंज ऑफ स्टेट हुआ? ये एक बार चेंज ऑफ स्टेट हुआ, ये एक बार चेंज ऑफ स्टेट हुआ। तो जब भी चेंज ऑफ स्टेट होता है तो तब ये फॉर्मूला हमारा वर्क नहीं करता है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट जो होता है ना, टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर टेक्स प्लेस होता है। मतलब अगर वाटर का केस ले लू, एग्जाम्पल वाटर का ले लू, तो वाटर का सॉलिड में लिक्विड का कन्वर्जन लिक्विड में 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। मतलब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड भी होता है आइस के फॉर्म में, और लिक्विड भी होता है। चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं इसे हम लोग। देन लिक्विड का कन्वर्जन जब गैसेस में होता है तो ये टेक्स प्लेस होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यार यहाँ पर डेल्टा टी जीरो आ जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। इसीलिए हम लोग अलग फॉर्मूला लिखते हैं, क्यू इक्वल टू एम एल। क्या लिखते हैं? क्यू इक्वल टू एम एल लिखते हैं। ml में m तो मास होता है, l होता है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या होता है सर? लैटेंट हीट तभी आता है जब स्टेट चेंज हो रहा होता है। चेंज ऑफ स्टेट जब भी होने लगे तो तब जो भी हीट देना पड़ेगा उसे हम लोग कहते हैं लैटेंट हीट। अभी दो बार आता है सर चेंज ऑफ स्टेट, तो एक बार आता है सॉलिड टू लिक्विड में, तो तब हम लोग उसे कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो क्या कहते हैं उसे हम लोग? तब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और दूसरी चीज, जब लिक्विड टू गैसेस होता है तो तब हम लोग उसे कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। चलो ये दो चीजें हो गई। देन सब्लिमेशन मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन एक टर्म है जहां पर डायरेक्टली सॉलिड का कन्वर्जन जो है ना वो गैसेस में हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। क्लियर? क्या कहते हैं इसे हम लोग? सब्लिमेशन। डायरेक्ट सॉलिड का कन्वर्जन गैसेस में हो जाता है। चलो क्लियर हुआ? चलो फेज डायग्राम, ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है। गैस एंड वेपर में क्या डिफरेंस होता है अभी ये समझ लीजिएगा। बहुत बच्चों को लगता है गैस और वेपर सेम है, नहीं। अगर गैसियस स्टेट में कोई चीज है, और प्रेशर अगर बढ़ाने पर वो लिक्विडिफाई हो रहा है, तो उस चीज को हम लोग वेपर कहते हैं। लिक्विडिफाई अगर हो रहा है प्रेशर बढ़ाने पर तो उसे हम लोग वेपर कहते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग उसे गैस कहते हैं। सिंपल, इतना ही डिफरेंस है। वेपर मतलब क्या? जो प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर? चलो लैटेंट हीट मैं बता चुका हूं अभी आप लोगों को। लैटेंट हीट फ्यूजन बताया, वेपोराइजेशन बताया, ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट नहीं। हीट ट्रांसफर, अभी हीट ट्रांसफर पे ध्यान दीजिएगा। हीट ट्रांसफर क्या होता है? हीट ट्रांसफर मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर होना। इसके तीन मोड्स होते हैं। एक होता है कंडक्शन,
एक होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन. कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीन होते हैं. अभी ध्यान देना, कंडक्शन मतलब क्या, सिंपली अगर ये रॉड है मेटल का बना हुआ है, यहाँ पे मैंने यहाँ पर कैंडल लगा दिया, मोमबत्ती लगा दिया, इसे हीट करना स्टार्ट किया तो क्या होगा, इधर से इधर हीट फैलने लगेगा. कैसे हीट फैल रहा है, अगर इस रॉड को बीच में से कट कर दूं तो इधर हीट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा. इसका मतलब मटेरियल मीडियम, मीडियम की जरूरत है हीट ट्रांसफर होने में. अच्छा चलो यहां तक तो क्लियर है. देन मटेरियल, मटेरियल मीडियम की जरूरत है. देन मीडियम की जरूरत होने के बाद और किसकी जरूरत है, मॉलिक्यूल जा रहे हैं क्या, मान लो ये मॉलिक्यूल यहां पर था, मैंने इसे हीट करना स्टार्ट किया, वो मॉलिक्यूल इधर जाएगा क्या, नहीं मॉलिक्यूल वही रहेगा. मतलब कंडक्शन में मीडियम की तो जरूरत है हीट फ्लो होने के लिए, मीडियम की जरूरत है, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स डजंट मूव, मॉलिक्यूल्स डजंट मूव. ओके ठीक है. देन कॉन्वेक्शन क्या होता है, कॉन्वेक्शन मतलब पानी गर्म करते हो, पानी मान लो एक कंटेनर है उसमें पानी गर्म करने रखा है आप लोगों ने, तो क्या होता है नीचे का पानी पहले गर्म हो जाता है, फिर उसका लाइट वेट हो जाते हैं वो मॉलिक्यूल्स, वो ऊपर आ जाते हैं और हेवी मॉलिक्यूल्स जो ठंडे हैं वो नीचे जाते हैं, फिर वो गर्म होने के बाद वापस, मतलब ये चीज चलता रहता है पानी में. मतलब इसको भी तो मीडियम की जरूरत है, हाँ इसको भी मीडियम की जरूरत है, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं, मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं, मतलब डिस्प्लेस होते हैं मॉलिक्यूल्स इसमें, इसमें नहीं होते मॉलिक्यूल्स मूव. देन नेक्स्ट चीज आता है रेडिएशन. हम लोग वन बाय वन देखने ही वाले हैं, वैसे ही है, बस ओवरव्यू दे रहा हूं आप लोगों को. इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, जल्दी से लेक्चर पे ध्यान दीजिएगा. चलो देन रेडिएशन मतलब क्या, माइक्रोवेव ओवन होता है, माइक्रोवेव ओवन, बस वो सिंपल सा एग्जांपल है रेडिएशन का. माइक्रोवेव ओवन में वेव्स के फॉर्म में हीट ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, ईएम वेव्स के फॉर्म में हीट ट्रांसफर होता है. देन इसको मीडियम की जरूरत नहीं लगती है, हो तो चलता है, नहीं हो तो भी चलता है, मीडियम नहीं चाहिए. देन इसमें मॉलिक्यूल्स तो दिखते ही नहीं यार मूव होने के लिए, मीडियम नहीं चाहिए. इसका मतलब ये वैक्यूम में भी हो सकता है, यस इसका मतलब ये वैक्यूम में भी हो सकता है. चलो ये इंट्रोडक्शन हुआ. देन कंडक्शन तो वही है, कंडक्शन वापस विच हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड ऑफ अ बॉडी विदाउट नेट बॉडीली मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, बॉडी मूवमेंट नहीं है ना पार्टिकल्स का. देन थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है, एक टर्म होता है. अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि जब मैं Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी लिख रहा हूं तो वो टाइम पे भी तो डिपेंड करेगा सर, कितना हीट दे रहे हो, तो अभी वो थर्मल कंडक्टिविटी पे आएगा, वो टाइम का भी कॉन्सेप्ट आएगा यहां पर, ठीक है. चलो अभी क्या होगा, जितना भी हीट दे रहे हो ना आप, वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, वो ए पे डिपेंड कर रहा है एरिया पर, देन वो डिपेंड कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर पर, देन टाइम पर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ को. किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. चलो क्लियर है यहां तक. देन अभी देखो इसका फॉर्मूला लिखो, Q इज इक्वल्स टू Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा A डेल्टा T इंटू स्मॉल T टाइम होता है डिवाइडेड बाय L. तो यहां पर एक कोएफिशिएंट मतलब कॉन्स्टेंट आ जाता है K, जिसे हम लोग कहते हैं K को कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. क्या कहते हैं K को, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. ए मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया. देखो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ सॉलिड्स टू कंडक्ट द हीट थ्रू इट. उनकी कितनी एबिलिटी है हीट फ्लो कराने की. मान लो समर सीजन चल रहा है अभी, बहुत धूप है, तो आप लोग गार्डन में गए हो किसी के साथ घूमने के लिए, आपको बैठना है अभी बेंच पर, वहां पे बेंचेस होते हैं, दो बेंच, एक मेटल का है एक वुड का है. ऑब्वियसली वुड पे ही बैठोगे, मेटल पे तो कोई बैठेगा नहीं भाई, बुरा हाल हो जाएगा. इसीलिए क्यों आप ऐसे क्यों बैठते हो, दोनों को तो सेम हीट मिल रहा है ना, वुड को भी मेटल को भी, बैठ जाओ मेटल पे. क्या होता है, दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है. थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है कहने का मतलब दोनों मटेरियल अलग है तो हीट फ्लो कराने का तरीका भी अलग अलग है. मेटल ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है मेटल में, वुड में नहीं होती है, इसलिए आप वुड के बेंच पे बैठ जाओगे, आप स्मार्ट हो इसलिए. क्लियर.
चलो देन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, पिछले Q के फॉर्मूला से K का क्या फॉर्मूला निकलेगा, Q इंटू एल डिवाइडेड बाय A इंटू डेल्टा T इंटू T मिलेगा ना। हाँ तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ हीट दैट फ्लोज इन वन सेकेंड बिटवीन द टू फेसेस ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड वन मीटर। ये वन सेकेंड क्यूब का साइड वन मीटर, एरिया भी हो जाएगा वन मीटर स्क्वायर, द फेसेस बीइंग केप्ट एट द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ वन डिग्री केल्विन, वन डिग्री सेल्सियस और वन डिग्री केल्विन, खत्म। क्लियर हो गया, बस यही तो के होता है। देन आगे बढ़ते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद रख लेना, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, एल डिवाइडेड बाय के ए, वेयर के इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और ए मतलब एरिया, एल मतलब लेंथ। थर्मल रेजिस्टेंस मतलब क्या, हर बॉडी हीट देने के बाद रेजिस्ट करती है कुछ उस हीट को, उसे हम लोग कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। हर बॉडी का अलग अलग होता है, जो कि हम लोग दिखाते हैं आर टी इक्वल टू एल बाय के ए से। चलो सर पीसीबी शिफ्ट एनालिसिस, यस यस मिलेगा ना प्रीतिका, मिलेगा शिफ्ट एनालिसिस भी मिलेगा आप लोगों को, कोई टेंशन मत लीजिएगा। क्लियर हो गया, बढ़ो आगे। चलो एप्लीकेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ लीजिएगा, देन आता है कॉन्वेक्शन, कॉन्वेक्शन बता दिया। अभी देखो फ्री एंड फोर्स कॉन्वेक्शन याद रखना, फ्री कॉन्वेक्शन मतलब क्या होता है, नेचुरली होने देना हीट का फ्लो, उसे फ्री कॉन्वेक्शन कहते हैं। या फोर्स कॉन्वेक्शन मतलब क्या, मान लो आपने किसी चीज को ठंडा होने के लिए रखा है बट वो नहीं हो रहा है जल्दी से ठंडा, फैन लगा दिया आपने उसे ठंडा होने के लिए, आपने एक्सटर्नली कुछ एजेंट दिया ना उसको हीट फ्लो कराने के लिए, वो भी कूल हो सकता है हॉट हो सकता है कुछ भी चीज, तो उसे हम लोग फोर्स्ड कॉन्वेक्शन कहेंगे। देन आता है रेडिएशन, देखो ईएम एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में जो भी हीट ट्रांसफर होगा उसे हम लोग रेडिएशन कहेंगे। अभी रेडिएशन में आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर देता है डीटी बाय डीटी। देखो द रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर डीटी बाय डीटी ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस टी माइनस टी नॉट। टी मतलब क्या, बॉडी का टेम्परेचर, T नॉट मतलब क्या, सराउंडिंग का टेम्परेचर। चलो ये चीज क्लियर हो गया। देन यहां पर एक कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं सी टी माइनस टी नॉट, ये सी मतलब कुछ नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। चलो यहां तक सारे लोगों को क्लियर है क्या, क्लियर हुआ होगा तो थम्स अप करो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग क्वेश्चंस के पास जाते हैं। अभी हम लोग क्या है, क्वेश्चन स्टार्ट हो चुकी है, सिनॉप्सिस खत्म हो चुका है। चलो यस सर, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। चलो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, टू यूनिफॉर्म ब्रास रॉड्स ए एंड बी ऑफ लेंथ एल एंड टू एल, देखो दो रॉड्स है ना ए और बी, तो दो है, रेशियो वगैरह का बात होगा, एल है एक का लेंथ टू एल है एंड देयर रेडियस टू आर एंड आर रिस्पेक्टिवली, इसका रेडियस टू आर है इसका आर है, आर हीटेड टू सेम टेम्परेचर, दोनों सेम टेम्परेचर पे हीट किया मतलब इसे डेल्टा टी पे हीट किया तो इसे भी डेल्टा टी पे हीट किया, द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ रॉड ए टू दैट ऑफ बी, वॉल्यूम में इंक्रीज मतलब क्या, डेल्टा वी ए रॉड में और डेल्टा वी बी रॉड में, इसका रेशियो चाहिए, रेशियो कैसे लिखेंगे यार इसका रेशियो, कोई बताएगा मुझे कैसे लिखेंगे इसका रेशियो हम लोग, ध्यान दीजिए अभी, डेल्टा वी का फॉर्मूला होता है मेरे पास वी इनिशियल इंटू गामा इंटू डेल्टा टी, होता है कि नहीं होता मेरे भाई, तो बस इस रेशियो को यूज कीजिए, वी ऑफ ए डेल्टा वी ऑफ बी
इज इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ए. अच्छा यूनिफॉर्म ब्रास, ब्रास रॉड है ना, तो गामा भी दोनों का सेम रहेगा, ब्रास ही है तो गामा इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनिशियल ऑफ बी इंटू गामा डेल्टा टी. गामा डेल्टा टी कैंसिल, वॉल्यूम बचा है, बट भाई वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं दिया है, लेंथ और रेडियस की बात हो रही है. मान लो ये ब्रास रॉड था, इसका लेंथ एल है, इसका रेडियस आर है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ. तो एरिया इंटू लेंथ मतलब एरिया ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी इंटू लेंथ ऑफ बी. भाई क्वेश्चन ही सॉल्व हो चुका है, बस सॉल्व कैलकुलेशंस करना बाकी है. ए का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ए का लेंथ कितना है एल. अच्छा ए का रेडियस 2r था ना, तो यहाँ पे 2r का स्क्वायर आ जाएगा, 2r स्क्वायर क्यों आया समझा. देन बी का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू 2l. ध्यान दो l से l कैंसल, पाई से पाई कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, यहाँ पे 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 1 2 2 2 4. योर आंसर इज 2:1, 2:1 इज योर करेक्ट आंसर. चलो समझ में आया. समझ में आया क्या? समझ में आया होगा तो थम्स अप करो जल्दी से. चलो बढ़ो आगे अगले क्वेश्चन की ओर. वेरी गुड वेरी गुड. चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर. क्या बोला है? द साइड ऑफ कॉपर क्यूब इज 1 मीटर. कॉपर क्यूब है, उसका साइड 1 मीटर है, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस. ओके व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स वॉल्यूम. वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा मतलब डेल्टा वी व्हेन इट इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस. 0 से लेकर कहां तक लेके गए भाई? 100 तक लेके गए. इसका मतलब डेल्टा टी का वैल्यू दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस. और आपको कॉपर यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, ये अल्फा दिया है आपको कॉपर का. अल्फा ऑफ कॉपर है 18 × 10⁻⁶ भाई. चेंज इन वॉल्यूम पूछा है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है. मैं आपको कह रहा था थर्मल एक्सपांशन एक स्लाइड में पूरा कवर करा दूंगा, करा दिया था, देखना उसी फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा. चेंज इन वॉल्यूम चाहिए तो ये हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी. चलो इनिशियल वॉल्यूम कितना लिखोगे? 1 मीटर है तो 1 × 1 × 1 lbh इनिशियल वॉल्यूम. अच्छा यहाँ पे अल्फा नहीं आता है, सॉरी गलती से अल्फा हो गया, गामा आता है यहाँ पे, वी इनिशियल इंटू गामा आता है यहाँ पे, लेकिन गामा नहीं दिया है. तो सर गामा और अल्फा का रिलेशन पता है, गामा इक्वल टू होता है 3 अल्फा, तो गामा की जगह पुट कर दो 3 × अल्फा है 18 × 10⁻⁶. बात खत्म. आपको डेल्टा टी चाहिए, डेल्टा टी दिया है 100, भाई खत्म हो गया. 18 × 3 = 54, ये 2 जीरो गए और यहां पर बचे -4, तो 54 × 10⁻⁴ m³. 54 × 10⁻⁴ m³. अगर किसी को फॉर्मूले याद है और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अच्छा है तो बिना पेन यूज किए भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, हो सकता था कि नहीं हो सकता था? चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर. अभी क्या बोल रहा है, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को. अ पीस ऑफ मेटल एट 850 केल्विन, एक मेटल का पीस है 850 केल्विन टेम्परेचर पर, इज ड्रॉप्ड इनटू 1 kg ऑफ वाटर एट 300 केल्विन. इसे ड्रॉप किया 1 kg वाटर में जिसका टेम्परेचर था 300 केल्विन. ओके इफ द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 350 केल्विन, मतलब क्या हो रहा है पता है? इसका मतलब ये 850 केल्विन का था ना मेटल का पीस, वो पानी में डाल दिया जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन था, ऑब्वियसली पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ के वो हो गया 350 केल्विन. ओके और इसका क्या होगा, मेटल का टेम्परेचर कम होगा, कम मेटल का टेम्परेचर क्या होगा, कम होने लगेगा मेटल का टेम्परेचर. क्यों? वाटर का बढ़ रहा है तो इसका कम होगा. थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के लिए एक का टेम्परेचर बढ़ना पड़ता है, एक का टेम्परेचर कम होना पड़ता है. इसका मतलब सिंपली जितना हीट लॉस किया, हीट लॉस कौन करेगा? मेटल करेगा. हीट गेन कौन करेगा? वाटर करेगा.
जितना मेटल हीट लूज करेगा उतना ही तो वाटर हीट गेन करेगा। हाँ ये तो करेक्ट है। देन क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम 350। देन हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल इज, हीट कैपेसिटी पूछा है मेटल का, मेटल का हीट कैपेसिटी पूछा है, कैसे निकालेंगे मुझे बताओ। मेटल का भी टेम्परेचर 850 से 350 ही आएगा ना थर्मल इक्विलिब्रियम पे, तो इसका भी तो टेम्परेचर 350 ही आना है। ये थोड़ा सा लॉजिक यूज करना था आप लोगों को, ठीक है। देन अभी देखो Q का फॉर्मूला क्या होता है, MS डेल्टा T। आपको क्या निकालना है, हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल निकालना है। अच्छा अभी मेटल का हीट कैपेसिटी निकालना है, मेटल के लिए क्या मेटल के मास क्या लोगे आप मेटल का? सबसे पहले तो ध्यान देना है आपको, मेटल का मास नहीं लेते आएगा क्योंकि P से तो M का वैल्यू 1 ले लेना डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा एम एस डेल्टा टी, ये मेटल के लिए होगा इज इक्वल टू इधर होगा एम एस डेल्टा टी फॉर वाटर। क्लियर है? अभी ध्यान देना एस कितना है वाटर का, एस कितना है वाटर का दिया नहीं है, याद रखना वैल्यू एस ऑफ वाटर, एस ऑफ वाटर होता है 4200 जूल। कितना होता है 4200 जूल पर केजी केल्विन। चलो ठीक है, पुट कर दो वैल्यूज, एम का वैल्यू 1, एस ऑफ मेटल SM, पता नहीं मुझे डेल्टा टी कितना है मेटल के लिए। मेटल का पहले टेम्परेचर था सर 850, फिर हुआ 350, तो 850 माइनस 350 इज इक्वल टू वाटर का मास दिया हुआ है 1 केजी इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी 4200, वाटर का टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ 350 हुआ सर, पहले 300 था, हायर माइनस लोअर करना पड़ता है, लिख लो SM इंटू 850 में से 350 गए तो ये 500 बचे इज इक्वल टू 4200 मल्टीप्लाइड बाय 50। सबसे पहले तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, देन 5 1 5 5 10 50, सो इट विल बी 420। एस का वैल्यू कितना आया 420, विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ ऑप्शन नंबर ए? गामा इक्वल टू 3 अल्फा समझा नहीं, थर्मल एक्सपांशन के स्लाइड पे जाना वापस से देखना, बताया वहां पे। चलो क्लियर हुआ यहां तक? तो हम लोग यही रुकेंगे आज, हम लोग कल वापस से कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे अच्छे इस चैप्टर के, जिसमें आपको और मजा आने लगेगा और इस चैप्टर पे ग्रिप भी अच्छी आ जाएगी। चलो क्लियर हुआ होगा तो थम्स अप करो, कोई डाउट होगा तो पूछो। सर आपसे लेक्चर लेट का शेड्यूल के लिए राहुल माहिती नहीं बघाव लागेल, ऍपचं लेक्चर मुकेश सर घेणार आहेत, जेईचा पेपर आहे उद्या, बेस्ट ऑफ लक, जिनका भी जेई का पेपर है बेस्ट ऑफ लक, आराम से सॉल्व कीजिएगा। यस बाय बाय। कितने चैप्टर हो गए, 12th का थोड़ा सा बचा है पोर्शन, 11th चल रहा है अभी, 11th के भी हमने दो चैप्टर्स कवर कर लिए। चलो मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। यस yes.